Greetings of today. Welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. Handle is English Talks 8395. इस वीडियो में हम करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें इंग्लिश में. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़, अपना नाम बताएंगे यहाँ पर. आई एम फ्रॉम, अपनी जगह बताएंगे. आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री और मैंशन योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम कोई यूनिवर्सिटी जो है वहाँ का बताएंगे आप. आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, अ ज्वाइंट है तो ज्वाइंट बताएंगे. माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक, और कोई हॉबी है तो वो भी बताएंगे. माई स्ट्रेंथ्स आर, आई एम हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. आई एम क्विक लर्नर. माई स्कूल टर्म गोल इज टू गेट जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी एंड लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव गुड पोजिशन लाइक योर्स वेर आई कैन बिल्ड माई करियर एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू. दैट्स ऑल अबाउट मी. थैंक यू वेरी मच. Greetings of the day. Welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. Now we are doing types of forks, जिसको हिंदी में कांटा कहते हैं. तो कितने प्रकार के होते हैं, लेट अस सी. ओइस्टर फोक, फ्रूट फोक, चीज फोक, पेस्ट्री फोक, स्पेगेटी फोक, क्रैब फोक, कार्विंग फोक, टेबल फोक, फिश फोक, सैलड फोक, डिज़र्ट फोक, कॉकटेल फोक. तो ये इतने तरीके के फोक होते हैं. ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल. वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दहिया. इस वीडियो में हम करेंगे यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. तो फर्स्ट सेंटेंस है, कोई रोक सके तो रोक ले. इफ समवन कैन स्टॉप देन स्टॉप. कोई खा सके तो खा ले. इफ समवन कैन ईट देन ईट. कोई काम कर सके तो कर ले. इफ़ समवन कैन डू एनी वर्क डू इट. कोई जा सके तो चला जाए. इफ़ समवन कैन गो देन गो. कोई कह सके तो कह ले. इफ़ समवन कैन से देन से. इस वीडियो में हम ध्यान देंगे कि देन की स्पेलिंग है टी एच ई एन. देन, देन का मतलब होता है तो, और टी एच ई एन देन जो होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जैसे कि शी इज गुड देन सीता. तो यहाँ आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वैन, जिसको हिंदी में कब कहते हैं, कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में. वह कब जाएगा, वैन विल ही गो. तुम कब पूछ रहे थे, वैन वर यू आस्किंग. मैं कब आया, वैन आई अराइव. वे कब गए, वैन डिड दे गो. मैं कब करूं, वैन शुड आई डू. तुम कब जा रहे हो, वैन आर यू गोइंग. आप कब सोचते हो, वैन डू यू थिंक. तुम कब खाओगे, वैन विल यू ईट. तुम कब जाना चाहते हो, वैन डू यू वॉन्ट टू गो. तुम कब खेलते हो, When do you play? वह कब सोता है, When does he sleep? वे कब बता रहे थे, When were they telling? तो इस तरीके से when, कब का इस्तेमाल हम अंग्रेजी के वाक्यों में कर सकते हैं. और रोज़ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख कर, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो डेफिनेटली वी विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू राइट इंग्लिश.
greetings of today. So we are doing sentences from Hindi to English. Aram se, relax. Aankh mat maro, don't wink. Dhyan rahe, watch out. Main samajh gaya, I see. Main avivahit hoon, I am single. Mujhe aisa lagta hai, I think so. Main kho gaya hoon, I am lost. Main mana karta hoon, I decline. मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम. मज़े करो, हैव फन. रहने भी दो, फोगेट इट. तो इस तरीके के सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करके भी हम अपनी इंग्लिश को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. कम्युनिकेशन में ये सेंटेंसेस बहुत काम के हैं.